नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कजान, रूस में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कुछ प्रमुख निष्कर्ष के बारे में। आर्थिक सहयोग और विस्तार। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए ब्रिक्स निवेश प्लेटफॉर्म की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिससे सदस्य देशों की आर्थिक वृद्धि को गति मिले और वैश्विक दक्षिण और पूर्वी देशों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो। विकासशील देशों पर ध्यान। शिखर सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा लगाए गए एक तरफा प्रतिबंधों और व्यापार में अस्थिर इन नीतियों के कारण विकासशील देशों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान के रूप में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और निवेश को मजबूत करने के तरीकों पर जोर दिया गया। कृषि और ऊर्जा सहयोग। पुतिन ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्लेटफॉर्म की स्थापना का सुझाव दिया, जिससे सदस्य देशों को खाद्य सुरक्षा में सहयोग मिलेगा। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में ईरान के नेतृत्व में ऊर्जा पारगमन नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव भी सामने आया। प्रौद्योगिकी और AI में सहयोग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें AI प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग और विकास पर जोर दिया गया। पर्यावरणीय और परिवहन सुधार। सम्मेलन में परिवहन नेटवर्क के विस्तार और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। रूस ने कार्बन मार्केट्स और सतत विकास के लिए ब्रिक्स साझेदारी को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस शिखर सम्मेलन ने ब्रिक्स देशों के आपसी आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आखिर में वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।